नमस्कार, टाइम और डिस्टेंस के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम और डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा था। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि अगर फार्मूला न यूज़ किया जाए और सिंपल बेसिक कंसेप्ट से चला जाए तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे इसमें जिसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। हिंदी में सुन लीजिए, एक ट्रेन है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितने सेकेंड लगेंगे। ऑप्शन सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, 36 सेकेंड, 64 सेकेंड, 90 सेकेंड और 120 सेकेंड। अब स्पीड उसने दी 45 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 4/5 किलोमीटर। आपको हमने फार्मूला भी बताया था, एक ही फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सपोज कीजिए ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं करना चाहते, तो इससे आप क्या निकालेंगे, 45 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको 1 आवर लगते हैं। चूंकि आंसर सेकंड में है इसलिए इसको हम लोग सेकंड में, तो 1 आवर क्या होगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो ये हो गया सेकंड। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इट टेक्स 60 इंटू 60 सेकंड्स। मीटर इतना, 4/5 किलोमीटर निकालना है तो 4/5 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितने सेकंड लगेंगे, तो 60 इंटू 60 अपॉन में 45 इंटू 4/5 सॉल्व कर लीजिए। 5 से ये कैंसिल हुआ 12, 15 से कैंसिल हुआ 3 से ये कैंसिल कर दीजिए 4, कितना हो गया 64 इंटू 4 इंटू 4 64 सेकेंड। सिंपल, कहीं भी हमने ये फार्मूला नहीं यूज किया। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आपको सिंपल बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द रिजल्ट। 180 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप 5/18 भूल गए, देन व्हाट विल यू डू, आपको करना क्या है तब, इसका मतलब हो गया, और आपको निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसका मतलब हो गया कि इन 1 आवर ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर। क्योंकि मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है तो 1 आवर, अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया 60 इंटू 60 सेकेंड, इसको जो है मीटर में बदल लीजिए, ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 60 इंटू 60 सेकेंड में 180 इंटू 1000 मीटर चलता है। मीटर पर सेकेंड का मतलब इन 1 सेकेंड, तो आपको करना क्या है, 180 इंटू 1000, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 60 इंटू 60, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया 3 5, तो ये आपका हो जाएगा 5/18 और 180, फिर वही जो हो गया। तो ये तब के लिए है जब आप 5/18 से जो ये भूल गए कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाय द वे, अगर भूल गए आप तो ये मेथड होता है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ए मैन इज वॉकिंग विथ अ स्पीड ऑफ 10
किलोमीटर पर आवर, एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट, प्रत्येक 1 किलोमीटर को वो 5 मिनट रेस्ट लेता है, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना है, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 1-1 किलोमीटर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर उसको जो है रेस्ट करना है। इंटरवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अब वो ये टोटल डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर उसको जो है रेस्ट करना है, तो 5/1 ये हो जाएगा 5, और इसके बाद आपको क्या करना है, 1 सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो कितने इंटरवल हो जाएंगे, 1-1 किलोमीटर के कुल कितने इंटरवल होंगे, मतलब कितने रेस्ट लेगा वो, तो 4 बार वो रेस्ट लेगा, 1 रेस्ट में वो 5 मिनट लेता है तो कुल 4 बार वो रेस्ट करेगा, तो 4×5 = 20 मिनट। अब 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसको 1 आवर को हमने लिख दिया 60 मिनट, तो ये 1-1 किलोमीटर ट्रेवल करके वो रेस्ट करता है, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना लगेगा, 6 मिनट लगेगा। कुल कितने डिस्टेंस है, 5 1-1 किलोमीटर के, तो हो गए 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 6 मिनट लेता है, 30 मिनट कितना हो गया, 50 मिनट। आपका आंसर कितना हो गया, 50 मिनट। अब देखिए कहीं भी हमने जो है फार्मूला यूज नहीं किया। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, एक व्यक्ति है ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और वापस जो है पैदल जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। इफ़ द होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट, यदि पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो द डिस्टेंस वाज, तो सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन है आपका 25 किलोमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नेक्स्ट ऑप्शन है, और 15 किलोमीटर नेक्स्ट ऑप्शन है। सपोज कीजिए यहां से वो यहां जाता है, तो ट्रेन से जाता है 25 किलोमीटर पर आवर, और इधर वापस पैदल आता है 4 किलोमीटर पर आवर, हम फार्मूला, और टोटल टाइम उसको दोनों तरफ से कितना लगता है, 5 आवर्स + 48 मिनट, ये दिया हुआ है आपको। अब हम फार्मूला नहीं यूज़ करने, हमने अभी आपसे कहा कि तमाम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको ऑप्शन के थ्रू, तो अगर मान लिया कि 25 किलोमीटर है, तो 25 की स्पीड से इधर पहुंचने में उसको 1 घंटा लगेगा, वापस वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, तो 25/4 करेंगे तो ये जो है इज ग्रेटर देन 6, तो 1 घंटा इधर से जाने में, 6 घंटा इधर से आने, कुल 7 घंटा लगा, कितना है, 5 घंटे 48 मिनट, तो ये आंसर होगा नहीं, 25 से ज़्यादा होगा नहीं। अब हम 20 पे कर लेते हैं, 25 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाने में उसको जो है 20/25 घंटे लगेंगे, ये आपका हो गया कितना, 4, ये हो गया 5/4, अब 4/5 आवर का मतलब कितना हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48, मतलब इधर से इधर जाने में 48 मिनट लगेंगे, और देख रहे हैं कि 5 घंटा 48 मिनट में से 48 मिनट तो आ ही गया, तो सर्टेनली यही होगा। इसको कर लेते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर जाने में उसको 5 घंटे लगेंगे, तो आंसर क्या होगा आपका, 20 किलोमीटर होगा। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप ऑप्शन के थ्रू भी निकालेंगे तो वो आराम से निकल जाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
टू मैन स्टार्ट टूगेदर टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करना चाहते हैं। पहला वाला जो है 1 at 4 km/h, पहला वाला व्यक्ति 4 km/h की चाल से जाता है, एंड अनदर एट 3 km/h, और दूसरा जो है 3 km/h की चाल से चलता है। द फार्मर arrives हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, पहला वाला दूसरे वाले से आधे घंटे पहले पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस, पहली चीज की जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो 4 km/h की स्पीड से, सेकेंड पर्सन 3 km/h की स्पीड से जाता है, पहला वाला जो है आधे घंटे पहले पहुंचता है। तो सपोज कीजिए कि ये टी टाइम में पहुंचता है, तो ये कितने टाइम में पहुंचेगा, टी 1/2। अब डिस्टेंस एक ही ट्रेवल करते हैं, तो ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आपस में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी डिस्टेंस हुआ, ये भी, दोनों इक्वल हुए क्योंकि सेम डिस्टेंस है, मतलब 4 × t − 1/2 = 3 × t। जिनको सॉल्व करना नहीं आता वो भी देख लीजिए, 4t, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3t, तो t बराबर हो जाएगा 2। मतलब अगर यहाँ पे t की वैल्यू 2 रख देंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, द डिस्टेंस वाज 6 km। आप इतना नहीं करना चाहते हैं, हमने एक तरीका यह भी बताया कि ऑप्शन के थ्रू भी इजीली निकल जाता है। तो अब अगर मान लीजिए हम ऑप्शन यहां पे लिख देते हैं, और ऑप्शन है 8769, ये डिस्टेंस है। 4 की स्पीड से 8 किलोमीटर 2 घंटा, 3 की स्पीड से 8 किलोमीटर जो होगा, और दोनों के पहुंचने में अंतर कितना है, हाफ आवर का है। तो 8 किलोमीटर तय करने में निश्चित रूप से जो है दोनों का अंतर जो होगा हाफ आवर नहीं होगा, तो ये होगा नहीं। 7 अपने आप इसलिए नहीं होगा कि ऑड नंबर है, तो हम ट्राई करेंगे अब इस पे 6 पे। 4 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाने में 1.5 आवर, 1.5 घंटे लगेंगे, तो 1.5 आवर इसको लगे। 3 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे, अंतर कितना हो गया, आधे घंटे का। तो इसके पहले वाले से मुझे तो ये ज्यादा आसान लगता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, एक एथलीट है 200 मीटर की दूरी वो 24 सेकेंड में तय करता है, इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में पूरी करता है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड हो, डिस्टेंस हो गया 200 मीटर, टाइम हो गया 24, ये जो आया वो मीटर पर सेकंड में आया। अभी हमने शुरू में बताया था कि जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 200 / 24 × 18/2, इससे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, 6 से डिवाइड किया 3, 4, ये नीचे कितना हो गया 20 मिल गई, ये 10, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 km/h क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर, एक व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ब्रिज को 15 मिनट में क्रॉस करता है, तो ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, जितना वो ट्रेवल करेगा 15 सेकंड में इस स्पीड से उतनी ही जो है ब्रिज की लंबाई होगी। नहीं फार्मूला लगाना, केवल कॉमन सेंस से भी लगाएंगे, तो 15 मिनट जो होता है
वो घंटे का 1/4 पार्ट होता है, 15 मिनट जो होता है वो घंटे का 1/4 पार्ट होता है, 15/60 1/4 आवर में, ठीक है। एक घंटे इससे आपने क्या निकाला कि एक घंटे में इन 1 आवर ही ट्रेवल 5 किलोमीटर, तो घंटे के 1/4 भाग में वो कितना ट्रेवल करेगा, घंटे के 1/4 भाग में तो 5/4 किलोमीटर। अब अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया किलोमीटर में, ये एक पूरा किलोमीटर हो गया, और 5/4 का मतलब एक पूरा, और 1/4 भाग उसका, और 1/4 का मतलब कितना हो गया, अगर आप इसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो कादे से ये कितना हो जाएगा, 1.25 किलोमीटर। मीटर में पूछ रहा है तो इसको 1.25 को जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, वैसे भी कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो 5/4 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर का एक पूरा और 1 किलोमीटर का 1/4, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, उसका 1/4 जो हो गया वो 250, तो ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है और ये मीटर है, दोनों मिल के कितना हो जाएगा 1250। इस तरह से कॉमन सेंस भी अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन सी सेट के जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो में केवल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके देख रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है एंड कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 1 आवर, एक घंटे में वो दूरी तय करती है, तो 60 की स्पीड से एक घंटे में वो कितना चलेगी, सिंपल 60 किलोमीटर चलेगी, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अनदर कार टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने देर में इस दूरी को तय करेगी, 40 किलोमीटर पर आवर अगर आप देखेंगे भी तो एक घंटे में 40 किलोमीटर, एक घंटा तो ये 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, कि नेक्स्ट कितना बचा 20 किलोमीटर, तो एक घंटे में 40 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर जाने में उसको कितना लगेगा, 0.5 आवर, कितना हो गया 1.5 आवर, कुछ भी नहीं करना जो है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी और हम लोगों का अप्रोच जो होगा वो यही होना चाहिए। एक जो है और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं कैट के प्रीवियस सेट से लेके आया, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सुनिए। अ मैन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, देन ही अराइव्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस एट 1 PM। एक व्यक्ति है, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक साइकिल चलाता है तो किसी स्थान पर जब वो 1 बजे दोपहर बाद पहुंचता है। इफ ही साइकिल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर, ही विल अराइव एट द सेम प्लेस एट 11 AM। यदि वो उसी स्थान पर तक जाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चलाता है तो वो उस जगह पर 11 AM पर पहुंचेगा, 11 AM पर। एट व्हाट स्पीड मस्ट ही साइकिल टू गेट देयर एट नून, वो किस स्पीड से साइकिल चलाए कि ठीक दोपहर 12 बजे पहुंचे। अब सपोज कीजिए कि जो है ये डिस्टेंस है, अगर उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई साइकिल तो वो यहाँ पर 1 PM पर पहुंचा, अगर उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई तो वो पहुंचेगा जो है 11 AM पर, ठीक, उसको पहुंचना है जो है 12 बजे दोपहर में। तो मान लीजिए कि अगर इस स्पीड से उसने टी टाइम लिया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 T होगा, 15 की स्पीड से चल रहा है तो 11 बजे पहुंच रहा है, 2 घंटे पहले पहुंच रहा है वो, तो यहाँ पहुंचने इस स्पीड से उसको T-2 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 15, तो ये भी डिस्टेंस निकला।
दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10t बराबर 15t माइनस 30 जो है, इसको सॉल्व करने पर 5t इज इक्वल टू 30, टी इज इक्वल टू 6, मतलब t की वैल्यू हमने क्या निकाली, 6। अब इस 6 से आपको क्या निकलेगा, 6 से निकलेगा कि अगर वो 6 घंटे चल के 1 PM पे पहुंचता है तो सर्टेनली ही स्टार्टेड एट 7 AM। डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया ये 60 किलोमीटर। उसको पहुंचना आप कितने बजे, 12 बजे दोपहर में पहुंचना है, चलेगा कितने बजे, इसी 7 एम से चल के वो 12 बजे दोपहर का मतलब हो गया कितना हो गया, 5 घंटे। तो 5 घंटे में उसको 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर हो जाएगा 60 अपॉन में 5 बराबर 12 किलोमीटर। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हम लोगों ने केवल जो है कुछ क्वेश्चन देखे जो प्रीवियस के थे और उनको सॉल्व कैसे करना चाहिए ये हम लोगों ने देखा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में, और कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। और हर समय हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करने का प्रॉपर एक ऑथेंटिक तरीका क्या होगा, जब हम लोग न कोई फार्मूला लगाएंगे न कोई ट्रिक लगाएंगे, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के ही चलेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।